चैनल। मेरा नाम है डेजी और आज जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सारे होम डेकोर आइटम्स हैं बहुत ही जेन्युइन प्राइस में। जब आप इनको ऑर्डर करोगे तो कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कितने सस्ते दाम में आप अपने घर को इतनी ब्यूटीफुल लुक दी है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और स्पेशली दो तीन जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें वो स्पेशली मैंने अपने घर के एक कॉर्नर के लिए ऑर्डर किए हैं, बिकॉज हर एक घर में कोई ना कोई ऐसे कॉर्नर्स होते हैं कि हम कन्फ्यूज हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप उनको कैसे डेकोरेट करो। तो हम फर्नीचर बाय कर लेते, कुछ कर लेते, बट हम दूसरी तरह भी इनको डेकोर कर सकते हैं। बाकी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आप गेस कर रहे हो कि इतनी गर्मी में मैडम ने बाल खुले छोड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एसी मैंने ऑन किया हुआ है, फैन मैंने बंद किया, बिकॉज अगर मैं फैन ऑन करूंगी तो आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। बाकी वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगे आपको प्रोडक्ट्स, और जितनी भी मैंने इनको डेकोर किया है, स्टाइल किया है, वीडियो को क्लिप को ऐड कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो देखना कि मैंने इनको कैसे स्टाइल किया है। बाकी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, टाइम नहीं करते हैं वेस्ट क्योंकि मक्खी ऑलरेडी मुझे बहुत तंग कर रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आइटम मैंने ऑर्डर किया है वो है एक किचन आइटम कह लो या अपने फ्रिज के लिए यूजफुल प्रोडक्ट कह लो। जितनी गर्मी बढ़ रही है तो ये तो अपने हर एक के घर में चाहिए। तो ये मुझे दो रिसीव हुए हैं, सिलिकॉन के हैं, आइस क्यूब मेकर। बट इसमें कुछ फनी मुझे ये लगा कि इसके साथ मुझे एक स्क्रॉच ब्राइट मिला है, बट मुझे इसके साथ कोई इसका कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा, बिकॉज ये सिलिकॉन के हैं। अगर कुछ और दे देते, कोई स्ट्रॉ दे देते, कुछ दे देते यार, बट फ्री का है, चलो रख लेते हैं, बर्तन धो लेंगे, बट इसके साथ कॉम्बिनेशन मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाकी अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टर्डी है, गुड क्वालिटी का है। दूसरे प्लास्टिक वालों में क्या होता है कि जब अगर हमें दो क्यूज भी निकालने हैं तो अब जब हम उसको निकालते हैं तो वो सारी निकल आती है, फिर हम वेट करते हैं, उसको फिल करते हैं, फिर फ्रीज करना पड़ता है। इसमें ये टाइम वेस्टेज की जरूरत नहीं है, बस आप नीचे से प्रेस करो और जो कौन सी क्यूब आपको चाहिए वो ही निकलेगी। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, साइड में मैं इनकी वीडियो ऐड कर दूंगी। एक ब्लू कलर है, एक ग्रीन कलर है, आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही वायरल हो रही है सिलिकॉन की आइस क्यूब मेकर्स। का जो सेकंड प्रोडक्ट है बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, बहुत लोगों ने इसे ऑर्डर किया था अपने घरों में, बट मैंने बहुत लेट कर दिया इसको ऑर्डर करने के लिए, फाइनली कर दिया है। बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मेरे घर में एक कॉर्नर है जिसको मैंने डेकोरेट करना था, उसके लिए मुझे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो ये एक वुडन टेबल है, एक फोल्डेबल वुडन टेबल है, आप देख सकते हो, शायद कैमरे में विजुलाइज हो जाए, बाकी ये फोल्डेबल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है यार, ऐसे कुछ करके ना, यस ओके बन गया यार, इजी है। ये देखो स्पेस देखो पहले आप इसकी, एक मिनट यार, चलो साइड में मैं इसके ना क्लिप मेंशन कर दूंगी, आप वहां देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे स्टाइल किया। बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही अच्छी वुडन का वर्क है, और इवन की फिक्स भी बहुत अच्छी तरह इसको किया गया है, फोल्डेबल। मेन चीज मुझे ये इसकी पसंद आई है कि जो इसकी लेंथ है वो प्रॉपर है। पहले मैं थोड़ा सोच रही थी कि यार चाहे मतलब कि कोई छोटा ना आ जाए ज्यादा, बट जैसी मुझे लेंथ चाहिए थी बिल्कुल प्रॉपर वही लेंथ का आया है। बहुत ही गुड क्वालिटी की वुडन दी गई है, मीन्स लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, और बहुत ही अच्छी तरह ये फिक्स किया गया है। साइड में आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे स्टाइल किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको स्टाइल किया था। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये फोल्डेबल है, बहुत आराम से ये फोल्ड हो सकता है। मुझे ये प्रोडक्ट मिला तो अमायरा बहुत खुश हुई थी, अमायरा इसको अपना छोटा टेबल बना के खेल रही थी, अपना दूध रख के चाय रख के वो पी रही थी, इंजॉय कर रही थी अपने स्नैक्स। बट फिर मैंने उसको समझाया कि ये उस चीज के लिए नहीं मैंने मंगाया, आप इसको छोड़ दो, बाकी वीडियो आप देख लेना। जो इस वीडियो का थर्ड आइटम है वो बहुत ही प्यारे फोटो फ्रेम्स हैं, फोटो फ्रेम्स कह सकते हो या वॉल पेंटिंग्स कह सकते हो, कई इसको वॉल पोस्टर्स कह देते हैं। बहुत ही प्यारा सेट है, मोस्टली मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं, या साइड में मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हो। बट लुक एट दिस, कितना प्यारा है यार, कितनी प्यारी लुक है, आप देख रहे हो कितना अच्छा डिजाइन है। मैंने ओपन नहीं किया इन्हें, बिकॉज मुझे ये था कि जब मैं वीडियो बनाऊं तभी ओपन करूं, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूं। अभी बहुत ही अच्छी तरह पैक हो गया है, बहुत ही जेन्युइन प्राइस में है। जब आप आपको इनकी प्राइस पता लगेगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। टेबल तो दिखाया था ना मैंने स्टार्टिंग में, अभी आपको उसका प्राइस नहीं पता, अभी आप देख रहे होगे काफी महंगा होगा, ये होगा, कुछ महंगा नहीं है। तो देखो इसे यार, कितना प्यारा है, ये देखो
एक मिनट मैं आपको लगा के दिखाऊं, ये देखो ये बहुत प्यारे ना डियर दिए हुए हैं, बहुत अच्छी लुक आ रही है। जब इसको मैं वॉल पे अपना पेस्ट करूंगी ना तब देखना, देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। जब हम इसको दीवार पे फिक्स करेंगे ना, इसके पीछे ना ये डबल साइड टेप दी गई है ताकि आप इजीली इसको फिक्स कर दो। बहुत ही अच्छी इसकी ड्यूरेबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं आपकी ना वॉल खराब होएगी ना ये उतरते हैं, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छे दिए हैं। ये देखो आप क्लोजअप में, इसको जरूर ऑर्डर करना। बहुत ही डिफरेंट कलर्स में आते हैं, डिफरेंट डिजाइन में आते हैं, जैसा आपको पसंद है अपने घर के लिए, जैसा कलर कॉम्बिनेशन आप अपने पेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, तो जो आपको डिजाइन पसंद है वो आप जरूर ऑर्डर करना। अब आ रही है इस वीडियो के सेकंड लास्ट प्रोडक्ट की, जो बहुत ही वेटेड था। मैं ये चाहती थी, बहुत ईगरली चाहती थी कि ये प्रोडक्ट मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँ। जब मुझे ये रिसीव हुआ तो मुझसे वेट नहीं हुई, मैंने इसको ओपन कर लिया था पहले ही दिखाने के लिए, अपनी फैमिली को भी दिखाया, वो इतने खुश हुए इस प्रोडक्ट को देखने के बाद, बिकॉज यही मेन आइटम था जिसने मेरे घर के कॉर्नर को चार चांद लगा दिया। साइड में आप वीडियो देख सकते हो, बहुत ही प्यारा ये मैंने रग ऑर्डर किया है। ये बेड साइड रग नहीं है, जो इसकी रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, ये सर्कल शेप में है, और बहुत ही प्यारा रग है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी का मुझे मिलेगा। अगर आप इसके कलर की बात करो, अगर आप देखो ना यार, तो आप तो दीवाने हो जाओगे। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ा है, ये देखो बहुत बड़ा है, मैं नहीं दिखूंगी आपको, बहुत ही ज्यादा इसकी अच्छी लेंथ विड्थ ब्रेथ है, कुछ भी आप कह लो। तो साइड में आप देख सकते हो वीडियो में कितना प्यारा लगा था। सबसे प्यारे मुझे लगे इसके मल्टी कलर्ड, ये चीज़ें जो भी इसके अंदर वर्क हुआ, जूट का ये बना हुआ है, गुड क्वालिटी का है, बहुत ही थिक है, तो आप इसको ज़रूर ऑर्डर करना। जब आप इसकी प्राइस देखोगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाना, हर एक प्रोडक्ट का कोड मैंने दिया है। जब आप इसकी प्राइस देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना अच्छा प्रोडक्ट इतने जनरल प्राइस में कैसे मिल गया। बहुत ही अच्छा, मेरे घर में जब मैंने इसको डेकोरेट किया सब ने बहुत पूछा, मुझे तो बहुत पर्सनली ये मेरा फेवरेट रग है। इसके अंदर दो तीन और कलर थे, वो थे जूट के ही, बट जैसे सारा जूट का था, ऐसे मल्टी कलर वर्क नहीं था हुआ, किसी में ब्लैक कलर का हुआ, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जो आपको पर्सनली पसंद हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के लास्ट प्रोडक्ट के। अब मैं दिखाने जा रही हूँ अपनी वीडियो का लास्ट आइटम, जो कि मैंने ऑर्डर किया है आर्टिफिशियल प्लांट्स। और ये मंगवाने का मेरा मकसद ये था कि जब मैंने गमले लिए अपने घर के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा पेट है डायमंड, उसने क्या किया, सारे तहश नहश कर दिए, सारे पत्ते सब कुछ वो तोड़ दिए, टहनी टूनी उसने, और जो मैंने अपने घर के अंदर भी लगाए थे वो भी सारे ख़राब कर दिए। तो फिर मैंने सोचा तो क्यों ना आर्टिफिशियल प्लांट ऑर्डर किया जाए, ताकि ना वो ख़राब हो ना वो टूटे, तो सुंदर भी लगे। तो जैसे मैंने छोटा गमला लेके, आप साइड में देख सकते हो कि इसको कितने सुंदर तरह मैंने इसको डेकोर किया है। और ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है, इसको मैंने पॉट में लगाया था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ओरिजिनल होता है, तो मुझे कुछ ऐसे रिसीव हुआ है। ये जो इसके स्ट्रिंग्स हैं, कुछ भी कह लो, मुझे पता नहीं है क्या है, इनके अंदर लगाने के लिए ऐसे लीव्स मिले हैं, और जो ये लीव्स हैं ना बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि हाँ ये आर्टिफिशियल हैं या कुछ है। आप कलर देखो यार इनका, एक मिनट मैं खोल के दिखाती हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, आप देख सकते हो, कोई भी नहीं लग रहा कि यार कहीं से ये लग जाए कि हाँ ये आर्टिफिशियल, बहुत ही प्यारे हैं। कुछ इस तरह करके ना आप इसको लगा सकते हो, एक मिनट मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको और भी स्टाइल करूँ अपने बेडरूम के लिए, और जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इनको ज़रूर ऑर्डर करूँगी, क्योंकि डायमंड ने तो सारे तोड़ दिए, सारे ख़राब कर दिए। तो अब यही ऑप्शन है मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट्स के लिए। और लास्ट में यही बोलूंगी कि अगर आपको मेरी ये हॉल वीडियो पसंद आई है, होम डेकोरेशन के आइटम्स पसंद आए हैं, तो आप इनको ज़रूर बाय करना और अपने घर में डेकोरेट करना, बहुत ही प्यारे आइटम्स हैं। रग ज़रूर ऑर्डर करना, बिकॉज इतने जेन्युइन प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा रग मिल रहा है। सपोर्ट करना वीडियो को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।